तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं पटना जू में, क्योंकि पिछला व्लॉग मैं आप सबके साथ में शेयर कर चुका हूं। और मैंने पिछले ही व्लॉग में आपको बताया था कि पटना जू ये इतना बड़ा है कि एक व्लॉग में, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो स्पेशली आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका एक और वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूं। तो आज स्पेशल जो वीडियो है वो मैं जंगल ट्रिप के बारे में आप सबके साथ में व्लॉग शेयर करने वाला हूं। तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें दिखाने के लिए तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन पहले व्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ में शेयर की और उसमें आपका अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद है कि इस व्लॉग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये है ये जंगल ट्रिप, जो मैं आपको जंगल ट्रिप दिखाऊंगा और लेके चलूंगा। और मैंने इससे पहले कंप्लीट तो नहीं कभी भी इसका ट्रिप किया हूँ, थोड़ी बहुत हुई बहुत पहले जब मैं और छोटा था, तो उतना कुछ समझ ली एक तरह से ना के बराबर। तो आज इस ब्लॉग में मैं एक कंप्लीट जंगल ट्रिप करूँगा इस पटना जू में, और आप सबको इसके बारे में वीडियो शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक बिना स्किप किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, यहां से एंट्री होती है जंगल ट्रिप की, जो कि मैं आपको पिछले व्लॉग में, इस पटना जू के व्लॉग में मैं नहीं दिखा पाया था। तो आज मैं इस व्लॉग में इस जंगल ट्रिप को कवर करूँगा और ये देखूंगा कि आखिर ये जंगल ट्रिप कैसा है। और सीधी सी बात है कि इसमें ज़्यादातर जंगल ही होंगे, पेड़ पौधे इधर ज़्यादातर पेड़ ही पौधे मिलेंगे, एनिमल्स तो कम ही मिलेंगे, क्योंकि एनिमल्स का जो एरिया है उस तरफ था, जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया बहुत सारे। लेकिन इस ब्लॉग में ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक जंगल ट्रिप है, स्पेशली एक अलग ही एरिया है इसका, तो काफ़ी मज़ा आएगा, लास्ट तक बने रहना। और ये है इसका कुछ इस साइड में एक गल्फ ग्राउंड है, और इसमें जाना अलाउ नहीं है, नो एंट्री है। तो दोस्तों, ये है वो जंगल ट्रिप जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाया था। ये इतना बड़ा है पटना जू कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा था तो सोचा आप सबको जंगल ट्रिप यहाँ का दिखाऊं। ये है इस जंगल ट्रिप के अंदर का एक छोटा सा पार्क, आप देखोगे ये है। जो कि काफ़ी खूबसूरत है, एक छोटा सा इसके अंदर ये एक पार्क है। दोस्तों, मैं भी काफ़ी दिनों के बाद इधर आया हूँ। इनफैक्ट मैं पहले कभी इसके अंदर एक कंप्लीट मैं नहीं गया हूँ, थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन आज मैं वही देख रहा हूँ कि आखिर इस जंगल ट्रिप के अंदर और क्या चीज़ें हैं। तो ये है एक चलने के लिए एक बनाया हुआ एक कच्ची सड़क, हालाँकि ये पक्की नहीं है, मिट्टी ही है। तो देखते हैं इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ तो आगे लगी हुई है नो एंट्री का बोर्ड, हालांकि ये पहले इधर से जाने का रास्ता था, लेकिन शायद कुछ काम चल रहा होगा जिसके कारण इधर नो एंट्री बताया गया। हालांकि अभी जंगल ट्रिप यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है,
इसका एक और भी रास्ता होगा जो हम उधर जाकर देखते हैं। तो यहाँ से नो एंट्री, तो हम वापस चलते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, जंगल ट्रिप करते हुए मुझे मिल गया एलिफेंट का कंपाउंड एरिया, जो आप देखो यहाँ पर मेरे सामने है दो हाथी और वहाँ पे कुछ वर्कर्स। तो पिछले ब्लॉग में मैं इसको कवर नहीं कर पाया था, तो काफ़ी चेंजिंग हो गया है इसका एरिया। इससे पहले मैं आया था तो इतना कुछ मतलब बेहतर नहीं था, काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ। जैसे कि उसके पीछे आप देखोगे जो दीवार के साइड में जो पत्थर लगाया गया है, इससे पहले नहीं था और काफ़ी बड़ा है। और ये है कुछ दो हाथी, काफ़ी बड़ा है। ये आपको दिखने में छोटा लग रहा हो लेकिन मैं यहाँ सामने देख पा रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा है। और ये है उसके सामने इसके रहने का इंतज़ाम। तो गाइस, ये है एक दूसरा रास्ता जंगल ट्रिप का, वो जो मैंने दिखाया था। तो आगे उसमें रास्ता जो है वो क्लोज था, नो एंट्री था। तो यहाँ से एक और जंगल ट्रिप शुरू होता है। और इधर जो वो एरिया है वो जिराफ का है जो कंपाउंड इस तरफ, और आपको दिख भी रहा होगा जिराफ। तो ये कुछ जंगल ट्रिप है। ये उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है कि इसकी लंबाई होगी, जहाँ तक मुझे दूर दूर तक। और चारों तरफ अच्छे खासे पेड़ ही हैं। और इस तरफ तो नो एंट्री है, जहाँ लिखा हुआ इस बोर्ड पर आप देख सकते हो प्रवेश निषेध। तो इस तरफ जाना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम चलते हैं सामने। और मेरे इस तरफ लेफ्ट तो पूरे जंगल ही है। और ये है, और ये जो रास्ता ये भी कच्चा ही है, मिट्टी का, कोई पक्का रास्ता नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट चलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद ये मुझे दो तरफ जाने के रास्ते मिले हैं। अब देखना ये है कि मैं किस तरफ से जाऊं। एक है मेरे लेफ्ट और एक है मेरे राइट। तो देखता हूँ राइट की तरफ जा करके। तो चलते हैं आगे और फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद और काफ़ी अच्छे यहाँ पर दरख्त दिख रहे हैं, जिसमें काफ़ी रंग बिरंगे फूल हैं। तो ये काफ़ी लंबा ट्रिप देख रहे होगे आप, मेरे ठीक सामने आप देख रहे होगे, काफ़ी लंबा है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लगता है कि हो सकता है बारिश काफ़ी तेज़ी से होगा। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आज जिस तरह का मौसम है ये काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली व्लॉग के लिए, क्योंकि व्लॉग चैनल के लिए एक मौसम भी काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि व्लॉग जो है वो ज़्यादातर आउटडोर में ही वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए। बाकी अदर चैनल्स तो अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे चैनल हैं जो बनाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली व्लॉग के लिए बाहर निकलना पड़ता है, जिसके लिए मौसम काफ़ी मायने रखता है। और इस तरह का जो मौसम है, तो पिछले कुछ दिनों के बाद से ये काफ़ी ऐसा देखने को मौसम मिला है, जो हल्की बारिश भी हो रही है, ठंड भी है, हल्का हवा में जो है वो ठंड भी है, और मतलब गर्मी नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से ये मौसम देखने को मिला है। दोस्तों, हमारे इस व्लॉग चैनल की जर्नी में ये अब तक का मुझे अभी तक एक बेहतरीन मौसम दिखा है वीडियो शूट करने के दौरान। इससे पहले ज़्यादातर ऐसा मौसम ही रहा जिसमें ज़्यादातर गर्मी और धूप, गर्म हवाएं। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, इसलिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वीडियो बनाने में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मौसम जब अच्छा हो तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों, काफ़ी दूर मैं चल चुका हूँ, लगभग 400 मीटर 500 मीटर के अप्रॉक्स। लेकिन अभी भी ये जो जंगल ट्रिप है ये ख़त्म नहीं हुआ है, और ये आगे अभी देख रहे हो कि अभी और आगे जाना है। और रास्ता जो है वो बारिश हल्का हल्का होने के कारण काफ़ी, ये देखोगे आप कि कच्चा हो चुका है पूरा, और मतलब गीला हो चुका है, जिसके कारण मेरा जूता भी काफ़ी मिट्टी से भारी हो चुका है। तो
थोड़ा सा ये इशू है, जो रास्ता है वो काफ़ी थोड़ा गीला हो चुका है, तो फिर भी तो हमें आगे बढ़ना है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रास्ता तो हल्की बारिश होने के कारण थोड़ी गीली हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर क्यों ना मैं इस ट्रैक के ज़रिए आगे बढ़ूँ, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही आगे की ओर जाता है। तो मैं इधर से ना जा करके मैं सोच रहा हूँ कि इधर ट्रैक के ज़रिए आगे बढ़ता हूँ, तो चलता हूँ ट्रैक के ज़रिए। तो रास्ता काफ़ी गीला हो चुका है, लेकिन ये ट्रैक जो है ये तो हमको दिखने में ठीक है। हाँ, ये जो ट्रैक है ये काफ़ी ठीक है, और वो रास्ता मुझे गीला था जिसके कारण मुझे चेंज करना पड़ा रास्ता। ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, सब पहले इस पर जो अंदर ट्रेन जो सफारी हुआ करता था वो चला करता था इसमें, तो अब जो है वो फ़िलहाल उसकी जगह जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो चलाई जाती हैं। जैसा कि आप सबको भी पता है कि पटना शहर में भी बहुत जगह अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां को ये किया जा रहा है, और खुद भारत सरकार भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जा सके, ताकि प्रदूषण कम हो और इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जू है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसको एक ब्लॉग में एक वीडियो में कंप्लीट शॉट नहीं किया जा सकता है, इसको अगर कंप्लीट भी किया जा सकता है तो इसके लिए 4-5-6 कुछ भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो मैंने इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता, तो स्पेशली इसमें मैं आपको यहाँ का जंगल ट्रिप के बारे में मैं आप सबके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं अब रास्ता इधर चेंज करता हूँ, वो जो यहाँ से जंगल ट्रिप जो है वो ख़त्म होता है, और इधर से जो है वो पक्की सड़क मिल गई है, तो मैं अब चलता हूँ इधर। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जो मैंने जंगल ट्रिप के बारे में और इस जंगल ट्रिप का एक कंप्लीट वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली जो है वो थोड़ा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी, और जो सड़कें थी वो पहले से तो मिट्टी की थी, कच्ची थी, पक्की सड़क नहीं थी, और उस पर भी क्या है कि बारिश हो चुकी थी हल्की हल्की, जिसके कारण जो रास्ता है वो गीला हो चुका था। तो बीच में मुझे रास्ता चेंज करके मुझे ट्रैक के ज़रिए आगे का सफ़र तय करना पड़ा, तो कुछ ये चीज़ मैंने फेस किया, और ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी अच्छा दूर मुझे चलना पड़ा इस जंगल ट्रिप पर, जो मैंने आप लोगों ने भी देखा ही है। तो ये कुछ वीडियो था, और इसके जंगल ट्रिप में मैंने कुछ जानवर भी देखे जो कि मैंने पिछले अपने वीडियो में नहीं देखे थे, और जिनमें हाथी ये सब थे। तो काफ़ी मज़ा आया इस जंगल ट्रिप पर, और आप सबको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में इसी तरह के। तो कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद।